नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज ढेर सारा मैं खाना बनाऊंगी बच्चों के लिए, और रंजीत कुमार और सुमन सरोज ने पैसा दिया है दोस्तों, उनके शादी के सालगिरह के मौकों पे दोस्तों बच्चों लोग को खिलाना चाहते थे, तो मैं ढेर सारा आज खाना बना रही हूँ। हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से दोस्तों उनको शादी के सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं है, दोनों लोग एकदम खुश रहें। तो शादी के सालगिरह दोस्तों 18 नवंबर का था, और उनके भाई का नाम है संजय कुमार। तो सभी लोगों ने दोस्तों मिलकर ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और चलिए, आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। चलिए, मैं बना रही हूँ यहाँ पे ढेर सारा खाना। तो इस भगोने में दोस्तों मैं चावल को भिगोऊंगी। तो चावल को 10 मिनट के लिए हम भिगो देंगे। तो प्याज का छिलका दोस्तों हम उतार लेते हैं, और लहसुन का छिलका दोस्तों मैंने और देखिए निकाल कर रखा हुआ है, अभी थोड़ा सा और निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आज खाने में हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, और बुनिया बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, और राइस चावल बनाएंगे। तो दोस्तों, हमने सामान सारा खरीद लिया है, चलिए आप लोग देख लीजिए क्या क्या हमने खरीदा हुआ है। तो ये देखिए, मसाले का सामान हमने खरीदा हुआ है, टमाटर खरीदा हुआ है, और बच्चे के लिए थोड़ा सा पापड़, और यहाँ पर सब मसाले हैं, और ये पनीर है, और चीनी है, और बूंदी है, मटर है, और ये चावल, तेल, यही सब खरीदा हुआ है, और 30 किलो ये आटा है। तो चलिए, मैं धीरे धीरे सब बनाती जाऊंगी, आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। तो ईंट का चूल्हा दोस्तों हम बना लेते हैं। तो चूल्हे हमने आग को अच्छे से जला लिया है, अब इस पे रख देते हैं भगोला। अब भगोले में हम डालते हैं पानी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बूंदी, तो इसमें हम डाल देते हैं पानी सीरा बनाने के लिए। तो इसमें हम 2 बाल्टी पानी डाल देते हैं सीरा बनाने के लिए। तो प्याज को अच्छे से धो लेते हैं। तो दोस्तों, ये 10 किलो चीनी है, तो मैं भगोने में डाल देती हूँ। तो ऐसे चला देते हैं दोस्तों, ये देखिए चीनी अच्छे से घुल जाएगी। तो इस भगोने में हम जीरा चावल बनाएंगे, तो इसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड तेल। तो पनीर के दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे ढेर सारा टमाटर को हम काट लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा। तो जीरे को डालने के बाद इसमें तेजपत्ता डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं काजू। तो काजू डालने के बाद इसमें डाल देते हैं मटर। चावल को इसमें डाल देते हैं। चावल को हमने 2-3 पानी अच्छे से धोवा हुआ है, और थोड़ी देर टाइम तक इसको हमने भिगो को रखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा बनेगा ये हमारा। और इसको हम अच्छे से चला देते हैं। तो भगोला दोस्तों छोटा है, थोड़ा सा हम कुकर में भी बनाएंगे, अभी इतना इसमें आट रहा है, मैं बना दे रही हूँ। तो चावल को हमने अच्छे से मिला दिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो दोस्तों, हमने पानी में थोड़ा सा भिगो कर रखा हुआ, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें हम नहीं डालेंगे, तो इसे हम चला देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं नमक। नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिला देते हैं, और आँच को दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, जब तक ये हमारा चावल उबाल नहीं मारेगा तब तक हम तेज़ रखेंगे, जब उबल लगेगा तो हम आँच को धीमी कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा से हमारा बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। तो सीरा दोस्तों बहुत ही अच्छे से उबल रहा है, तो मैं इसे कलछुल नहीं डालूंगी, एक तरफ हो जाएगा मही, तो मही को निकालूंगी। तो एक तरफ हो रहा है धीरे धीरे उबलते समय, मही को हम निकाल देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से दोस्तों हमने आग को जला हुआ है, जल्द से हमारा सीरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो सीरा दोस्तों तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने चूल्हे पर से उतार दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे बूंदी को। बूंदी का कलर दोस्तों मैं इसमें डाल देते हैं, डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। 10
5 किलो चीनी का हमने सीरा बनाया हुआ है, तो 5 किलो इसमें बूंदी हम डाल देते हैं। तो बूंदी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। टमाटर को दोस्तों हम पीसेंगे, तो थोड़ा सा मैं बाल्टी में ऐसे कूच लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो टमाटर को दोस्तों ऐसे ही खून लेंगे, पीसेंगे नहीं, काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो जीरा चावल को दोस्तों हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बीच बीच में हमने एक बार भी चलाया नहीं है दोस्तों, चलाने से थोड़ा सा ये चावल टूटने का डर रहता है। तो देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुका है, तो मैं इसे उतार देती हूँ। तो ढक्कन हटाकर दोस्तों हम अंदर तक देख लेते हैं कि यहाँ पे पानी अंदर है कि नहीं है। तो दोस्तों पानी अंदर नहीं है, तो उसे एक मिनट तक ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद हम तुरंत इसको पलटेंगे। तो अब हम चावल को पलट लेते हैं। तो जीरा चावल दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। तो इस थाली में हमने फैला दिया है, तो एक थाली और इसमें फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। तो हमने इसमें फैला दिया है, अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो कढ़ाई के दोस्तों हमने रख दिया है, इसमें हम बनाएंगे पनीर। तो पनीर दोस्तों दो कढ़ाई में बनाएंगे। तो पहले इसमें सारा मसाला हम तैयार कर लेंगे एक साथ में। तो इसमें सरसों का तेल हम डाल देते हैं। तो बूंदी में दोस्तों बहुत ही अच्छे से सीरा घुस रहा है, तो इसे अच्छे से चला देते हैं। तो बूंदी में दोस्तों हम डाल देते हैं एक छोटी इलायची, इसमें चीनी डालकर पिसा हुआ है, तो इसे डालकर हम अच्छे से मिला देंगे। तो बूंदी दोस्तों हमारा बनकर एकदम बढ़िया से तैयार है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग लाइक कर देना। तो तेल दोस्तों अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम जीरा डाल देते हैं। तो जीरा डालने के बाद इसे तेजपत्ता डाल देते हैं। तो जीरा हमारा चटक गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो तेज का आँच को हम थोड़ा सा तेज रखेंगे। तो दोस्तों अब हम पनीर काट लेते हैं। देखिए 6 किलो पनीर है, तो मैं इसे पहले काट लेती हूँ। तो ऐसे ही पनीर को हम काट लेते हैं। तो प्याज के दोस्तों हमने गोल्डन ब्राउन अच्छे से पका लिया है, तो इसमें हम अब पीसे हुए प्याज को डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से हम पकाएंगे। तो अब हम डाल देते हैं अदरक। तो मिर्चा और काजू को भी डाल देते हैं इसमें, और इसमें लहसुन भी पिसा हुआ है। तो सभी मसाले को हमने डाल दिया है दोस्तों। ये देखिए लहसुन, मिर्चा और काजू, सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देते हैं। पनीर के लिए दोस्तों जो हमने सूखा मसाला लिया हुआ है वो हम निकाल लेते हैं सभी। तो ये पनीर मसाला है, ये हमने 5 पैकेट लिया हुआ है। तो अब हम डाल देते हैं गरम मसाला। अब इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये लाल मिर्चा है, तीखा ना, इसे भी हम डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। ये भगोने में हम मसाले को डालकर थोड़ा सा भिगो देते हैं। अब मसाले को हम डाल देते हैं सूखे। तो अब इसे अच्छे से हम मिला देते हैं। तो थोड़ा सा आँच हम कम कर देते हैं, आराम से अच्छे से पकेगा।
तो सभी मसाले को दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से कलर आया है, खुशबू भी दोस्तों बहुत अच्छा सा रहा है क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसको भुने हुए हैं। तो अब इसे लास्ट में हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। अब टमाटर को भी बहुत अच्छे से हमें इसे पकाना है। तो कढ़ाई दोस्तों छोटी है तो मैं इसमें पनीर बनाऊंगी, तो इसमें हम थोड़ा सा हम डाल देते हैं तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो सारे मसाले दोस्तों इस भगोने में हम डालेंगे, तो मसाले को थोड़ा सा कम करेंगे, उसके बाद हम कढ़ाई को उतार देंगे। तो आग बहुत तेज है तो इसमें हम अब डाल देते हैं मटर। तो 2 मिनट के लिए इसमें मटर को दोस्तों मसाले में अच्छे से पका लेते हैं। तो मसाला पकने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, तो बहुत ही अच्छे से हमने पकाया हुआ है तो बहुत ही अच्छा हमारा पनीर बनकर तैयार होगा। तो मटर को हमने पका लिया है, अब इसमें डाल देते हैं ये पनीर। पनीर को दोस्तों डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे। पनीर डालने के बाद दोस्तों बहुत ही आराम से चलाना होता है जिससे पनीर टूटे ना। मैंने इसे तला नहीं है, आप लोग तल भी सकते हैं। तो पनीर के दोस्तों मसाले में हमने 5 मिनट तक पकाया हुआ है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी ग्रेवी के हिसाब से। तो पानी डालने के बाद दोस्तों इसको हम ग्रेवी देख लेते हैं, तो आप लोग भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा पनीर बनकर तैयार होगा। बहुत ज़्यादा हमने ग्रेवी नहीं डाला हुआ है, तो ऐसे ही उसे उबलने देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे नमक को। तो वही कढ़ाई दोस्तों अच्छे से साफ करके इसमें हम बनाएंगे पूरी, तो इस चूल्हे पर रख देते हैं। तो कढ़ाई अच्छे से सूख चुकी है तो इसमें हम डाल देते हैं रिफाइन का तेल पूरी बनाने के लिए। तो बच्चे लोग दोस्तों और दीदी लोग बेल रही हैं पूरी और आटे को भी तैयार कर रही हैं, तो मैं पूरी को लेकर चलती हूँ, पूरी को छान लेती हूँ। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं अब इसमें पूरी को डालती हूँ। ऐसे ही पहले इतना पूड़ी हम डाल देते हैं, उसके बाद हम पलटेंगे। अपने आप से पूड़ियाँ देखिए दोस्तों ऊपर आ रही हैं। तो पूड़ी को दोस्तों हम पलट देते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से पूड़ी फूल रही है। तो बहुत ज़्यादा हम घान हम इसमें नहीं डालेंगे, पूड़ियों को थोड़ा थोड़ा डालकर तलेंगे जैसे अच्छे से हमारा पूड़ी पके और फूले। बच्चे दोस्तों पूड़ियाँ बेल कर बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं। तो पूरी दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है और ये बहुत ही अच्छे से पक भी चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं इसे निकाल देती हूँ। निकालने के बाद इस भगोने में हम रखेंगे। अब हम पनीर में नमक को डालेंगे, ढक्कन को हटा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से उबाल बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो पनीर दोस्तों हमारा बन चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो धनिया पत्ती डालकर इसको हम चलाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ढक देते हैं। तो सभी खाना दोस्तों हमने बना लिया है, अभी पापड़ बनाना बाकी है। तो चलिए जो जो बनाया हुआ है आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हमने देखिए पूड़ी बनाया हुआ है, अभी पूड़ी बन रहा है दोस्तों, अभी पूड़ी पूरा ही बाकी है, थोड़ा सा ही बना हुआ है तो बन जाएगा। अभी काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं, तो चलिए और हम दिखा देते हैं। तो ये हमने बूंदी बनाया हुआ है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूला हुआ है, रस से एकदम भरा हुआ है। तो जीरा चावल हमने बनाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा बना है दोस्तों। और ये हमने पनीर बनाया हुआ है, पनीर दोस्तों हमारा बन चुका है, मैंने थोड़ा सा अभी आंच पे रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा अभी देखिए ग्रेवी पतली दिखाई पड़ रही है, ये बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना।
तो सभी खाना दोस्तों हमने बना लिया है और देखिए थोड़ा सा अभी पूरी बना हुआ है, अभी काफ़ी पूरी बाकी हुई है, अभी पापड़ बाकी है। अगर दोस्तों हमने ढेर सारा खाना बनाया, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग। तब तक के लिए नमस्कार।